मानव जीवन इतना जटिल विविधतापूर्ण है, स्वार्थी परम धर्म है, इसलिए यह कहना कठिन और असंभव भी है कि वो मनुष्य कौन है जो सुख से रहता है। यदि किसी को एक ही परिभाषा देनी हो तो यह कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार और सभी प्रकार की मन की पकड़ से आध्यात्मिक अंतर साधना से मुक्ति प्राप्त की है, जो आध्यात्मिक सत्य में स्थिर है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, स्वयं को साकार रूप बनकर जान लिया है, जो मनुष्य प्रकृति में स्थिर है और मन की पकड़ से मुक्त होकर जीवन के सभी प्रकार के लेन देन सच्चाई से करता है, वह अपने मन से प्रसन्न होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन से परम शांति और आनंद प्रदान करके जीता है, इस प्रकार वास्तविक रूप आध्यात्मिक रूप से प्रसन्न होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सुख और दुख दोनों से परे की स्थिति में रहता है। इसके अलावा किसी के अपराध का बोझ उसके ऊपर नहीं होता है। यह जानने के लिए कि जिस व्यक्ति का हृदय दूसरों के प्रति घृणा से नहीं उठता है, वो समानता और बुद्धि में स्थिर है और समझता है कि उसका जीवन धन्य है। सुख और दुख मनुष्य के अपने कर्मों के अधीन है। यह कभी मत सोचो कि मैं अकेले और उसके बिना दर्द में हूँ। खुशी परिवर्तन की जननी है। जो व्यक्ति इससे सीखता है वो मौलिक रूप से बदल जाता है। इस प्रकार यह दुनिया में फैल रहे सभी संघर्षों का एक हिस्सा है। जब ऐसी समझ का अनुभव होता है तो धीरे धीरे हम सच्चे धर्म के गहरे रहस्य और दया के विशाल रूप को समझते हैं। इसलिए हम अधिक स्नेही हो जाते हैं और फिर हम पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। इसे कहते हैं सुख और दुख पर विजय पाने वाला। मानव जीवन में कठिनाइयां अव्यवस्था और भ्रम के रूप में आती हैं। स्वस्थ तरीके से इससे बाहर निकलने का रास्ता है। जीवन में शांत और स्वस्थ रहने का रास्ता खोजा जा सकता है, क्योंकि हमारी आत्मा ही एक परमात्मा है। पूरी तरह से शांत रहने के लिए बिल्कुल चुप रहना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जान लें कि हमारी परेशानी का रास्ता किसी और के पास नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है।